अब यार आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, तो आपके दोस्त भी अच्छे और सच्चे बनेंगे। आप चूतिया तो दोस्त भी चूतिया। भाई फैक्ट है ये, फैक्ट है। कंधा तोड़वा लिया। भाई मैं मतलब यार गणेश सीरियस हो रहे हो, शायरी कर कर वो पार्ट जो आदमी के खड़े होते हैं। भाई मैं कॉमेडी करूँगा आज, ठीक है, कोशिश करूँगा। मैं पहली बार तो पहली बार कर रहा हूँ, तो कोशिश है, अच्छा लगे आपको। यार आजकल मतलब आजकल आपने देखा होगा, मतलब 7th 8th के बच्चे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं रिलेशनशिप वगैरह में। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि वो 7th 8th में ही उनका प्यार स्टार्ट हो रहा है और 7th 8th में ही उनका ख़त्म हो रहा है। तो यार अपने टाइम पे क्या होता था, जब मैं जैसे सोनीपत से हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अरे यार ये मजाक नहीं था, यार सीरियस बात थी। तो भाई और मैं सिंगल हूँ। तो क्या होता है कि हम अपने टाइम पे जब 11th 12th करते थे, उस टाइम पे फीलिंग जनरेट होती थी कि भाई 11th में आया तो लड़की पसंद आई है। तो अब हम एवरेज लुकिंग बच्चे, तो एवरेज लुकिंग बच्चे को लड़की भी ऐसी पसंद आएगी, मतलब अप्सरा आए हाय, मतलब बोल नहीं सकते आप उसको मुँह पे जाके कि मैम मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर मैं आपको पसंद करता, नहीं बोल सकते भाई आप। तो आप कोशिश करोगे, मैम ही बोला जाता है भाई आजकल तो ज़्यादा, क्या इंजीनियरिंग होगी तो मैम ही निकलेगा मुँह से। तो क्या करोगे आप, कोशिश करोगे कि भाई मैं लिख के बोल दूँ, तो आप लिखने जाते हो, तो आप लिखते हो एक लाइन लिखते हो, ये तो शक्ल से भी गंदी हैंड राइटिंग, क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं भाई छोड़ देता है। तो ऐसे ही मैं खड़ा था एक दिन, वैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान, यार स्कूलिंग भी चली गई, कॉलेज भी ख़त्म हो गया, गर्लफ्रेंड बनी नहीं, लड़की है ही नहीं, मतलब फीमेल पेट भी नहीं है घर में, क्या करे इंसान, फ्रस्ट्रेटेड भाई। मतलब भाई सब्जी भी मर्दाना बनती है हमारे घर, सब्जी लेडी फिंगर का तो नाम ही नहीं लेते घर पर कोई। तो अब बैठा हूँ मैं वहाँ पे, घर के बाहर बैठा था, तो मेरे घर के पास में ना स्कूल है, तो स्कूल से 7th 8th का बच्चा होगा, मेरे को नहीं पता, मैं जानता नहीं था उसको अच्छी तरह। तो पता नहीं उसको क्या दिखा मेरे अंदर, वो मेरे पास आता है, मेरे को कहता है कि भैया, मैंने कहा कि हाँ भाई, मैं अपने एटीट्यूड में, मैं अलग एटीट्यूड में, मगर मेरे पास आया है कुछ काम, इसको मेरे को थोड़ी है। तो कहता आपको एक बात बताऊँ, किसी को बताना मत, मेरा एटीट्यूड आसमान में। मगर अच्छा, मेरे को किसी को नहीं बताना। तो मैंने कहा बता भाई, बोल तू। कहता भैया एक लड़की है मेरी क्लास में, उसको देख के ना मेरी फीलिंग निकल गई। भाई 2 मिनट का मौन धारण किया था मैंने, मेरी आत्मा निकल गई थी मेरे शरीर से। मगर इधर टाइम पे तेरा डायपर नहीं निकलता जब तेरे को सुसु लगती है। आज भी ये सुबह ना हरी सब्जी खा ले तो हरी टट्टी निकलती होगी शाम को इसकी। फीलिंग, और इसके पास ऐसा कौन सा सीन था भाई जहाँ से फीलिंग निकल रही है, हमारा निकल नहीं रही फीलिंग है। भाई मैं उसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उसका पापा देख रहा है मेरे को, मैं अंकल अपने लड़के को संभालो, ट्रक चढ़ रही है उसको 7th 8th में। और भाई बच्चे लड़ रहे हैं, 7th 8th के बच्चे लड़ रहे हैं, एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पे मैं स्कूल के बाहर गया तो मेरा भाई भी था साथ में, मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा ट्रक है मेरे को लगता है। तो लड़ रहे हैं दोनों आपस में, जिस लड़की के लिए लड़ रहे हैं ना, उस लड़की से जाके मैंने पूछा कि मैं बेटा आपको क्या हो गया, आपको क्या पसंद है इसमें से। वो लड़की कहती है भैया मेरे को सोनपरी पसंद है। यार वो सोनपरी पे मरती है और ये गधे लड़ रहे हैं, ये चल रहा है भाई। तो अब यार आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, तो आपके दोस्त भी अच्छे और सच्चे बनेंगे। आप चूतिया तो दोस्त भी चूतिया। भाई फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको आप बदल ही नहीं सकते। अगर आप इंटेलिजेंट हो ना तो आपके दोस्त भी इंटेलिजेंट हो गए। ऐसा कभी नहीं होता कि एक इंटेलिजेंट ग्रुप है उसमें एक चूतिया बच्चा घुस गया, कभी नहीं घुसाएंगे भाई, वो कभी घुसाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे मेरे दोस्त हैं, तो उनको प्यार से हम आपस में एक दूसरे को नाम देते हैं। तो एक तो कन्नू है, एक लक्ष्मी है। भाई वो लक्ष्मी इसलिए है क्योंकि मैं दिल्ली रहता था, तो लक्ष्मी हमारी कुक का नाम था, और मुझे नहीं पता उनकी क्या दाल गल रही थी, मुझे सच में नहीं पता क्या दाल गल रही थी। वो बंदा घर पे 11 बजे उठता है, वहाँ पे सुबह 5 बजे उठ लेता है क्योंकि 7 बजे कुक को आना है। वो सब्जियाँ काटता था भाई वहाँ पे कुक के लिए, अलग ही नशे में है।
एक माया है भाई, उस माया का तो क्या बताऊँ आपको। माया ने शूट आउट डाला, देखिए तुम शूट आउट एट लखनऊ वाला, देखिए उसमें माया एक रोल था, तो वो अपूर्वा करके डायरेक्टर है, उन्होंने जूते के अंदर से कैमरा निकाला हुआ है उसके मुंह पे, और वो ऐसे बोलता है ना माया, उस बंदे ने ना 20 बार देखी है वो, बस वही सीन, और 20 बार हमें दिखाया कि आज के बाद तुम मुझे माया बोलोगे, आज के बाद तुम मुझे माया बोलोगे। भाई उसकी ना अकेले में मुंह तक फटती है रात को, यार वो मतलब पूरे पेपर्स लेके जो बाइक के होते हैं, हेलमेट पहन के 4-5 मास्क लगा के फिर निकलता है घर से बाहर, और पुलिस को देख के फिर भी फटती है उसकी। एक दिन ऐसे जा रहा था, पुलिस वाले को देख के उसने घुमा ली, पुलिस वाले ने बाइक ले ली उसके पीछे, तो उसको रास्ते में पकड़ लिया, रास्ते में पकड़ के पहले तो उसको दो मारे, उसको बोला तो भागा क्यों मुझे देख के, दाव लग गई थी जी। ये सीन है भाई उसका। तो हम दोस्त, तो मैं घर पे आ गया, तो उनके पता नहीं कैसे क्या, अब मैं तो सिंगल हूँ, तो मुझे लगता था वो भी सिंगल होंगे, पर उन्होंने बताया ही नहीं। हाँ उन्होंने बीटेक नहीं, एक बीएससी कर रखी थी एक ने, तो और बीए वाले थे दो, बीटेक नहीं कर रखी थी। बीटेक का बुरा हाल है यार, कुछ नहीं कह सकते हम लोग, हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को, तो यहाँ पे माइक पे चढ़े हुए हैं। कुछ है ही नहीं भाई ज़िंदगी में, कुछ नहीं है, ख़त्म है इंजीनियर। हाँ बस वही भाई, आप भी बीटेक हो? अरे यार अरे चलो चलो चलो। तो उन लोगों की बंदियाँ बन गई, मुझे सच में नहीं पता कैसे बनी। तो मैं वापस आया, तो मैंने कहा हाँ भाई तुम लोग फ़ोन पे लगे हुए, कहाँ बिजी हो? अभी सिंगल बंदा कहाँ बिजी होगा, कितनी देर देख लेगा अगर गंदी वीडियो भी देखेगा तो। मेरे को लग रहा है बाबू बैठे होंगे अब लगे होंगे। तो मैंने कहा कि क्या किससे बात कर रहे हो, तो वो कहते कि यार हमारी बंदी है, मेरी फट गई। मैं तुम्हारी बंदी कैसे बनी भाई, ढंग से तुम बंदे नहीं लगते, तुम्हारी बंदी कैसे बनी? मेरे को कहते बंदी मैं अपने अलग एटीट्यूड में, भाई क्या करें इंसान जब आपकी गर्लफ्रेंड बनती नहीं है ना, आप स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, तो अपने एटीट्यूड में आ जाते आप, हमें तो चाहिए ही नहीं, हम नहीं बनाएंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी, क्यों देखूँ मैं उसकी तरफ जो मेरी तरफ देखेगी नहीं। तो एटीट्यूड में रहते ना अपने, अलग एटीट्यूड में, वो जाकिर भाई वाली बात है। तो वो उन लोगों से फिर मैंने सोचा कि यार चल इन तीनों की बंदी बन गई है, एटीट्यूड माचदा है, मैं भाई मेरी भी बनवा दो। तो उन लोगों ने एक लड़की का नंबर दिया। अब यार अपना मतलब कभी लड़की से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, मेरा हुआ ही नहीं भाई लड़की से इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं। सामने गली में आते ना मैं इतना शर्मिला, अंधा शर्मिला, मतलब सामने गली में से लड़की आ रही ना तो मैं निकल जाता हूँ दूसरी गली से, इतना शर्मिला। मेरे को कहीं लगता है कि मेरे को देख के ये ना कह दे हट चूतिया। तो भाई उनकी उन लोगों ने बहुत मेहनत की, पापड़ पेले, और उस लड़की ने मुझसे बात की, हेलो हाय। तो भाई वो लड़की थी जो इंग्लिश यूज़ कर रही थी। अब अपने को समझ में इतनी समझ नहीं है, हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है, पर मुझे ये ही नहीं पता कि मैंने इंजीनियरिंग निकाली कैसे है इंग्लिश में लिख के, भाई मेरे को नहीं आती। मैंने आंसर दिए हैं पूरे 36 के 36 पेज भरे हैं, पर भाई मेरे को आती नहीं है इंग्लिश, मुझे नहीं पता कैसे पास किया है, तो मास्टर चूतिया होगा। तो मैंने बात की उस लड़की से, उस लड़की ने मेरे को कहा कि हाउ आर यू। अब अपने को, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैंने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम अरुण है। तो लड़की का रिएक्शन नहीं आया, फिर वो 3 डॉट डॉट आए टाइपिंग पे, तो वो आधे घंटे रहे, मुझे लगा कुछ ज़्यादा लंबी गाली दे रही है, मैं डर गया, मैंने ब्लॉक कर दिया। अगर उस गाली का मतलब क्या जो समझ में ना आए, तो मैं डर गया भाई। तो वो एक दिन आए मेरे पास कि यार तूने उस दिन इतना गंदा काम कर दिया था, तो तेरे को आज उस लड़की से मिलाते हैं और हम लोग भी मिलने जा रहे हैं। तो वो लोग तैयार हो गए। तो भाई मैं भी 11-12 बजे उठता हूँ, पर मैं भी 5 बजे उठा। मैं तैयार हुआ, नहाया धोया अच्छी तरह, मतलब ड्रेसिंग सेंस जितनी लड़कों को आती है। लड़कियों में क्या होता है ना कि अगर कोई लड़की अच्छे कपड़े पहन के आई है ना, तो दूसरी लड़की उसको अप्रिशिएट करेगी ही करेगी,
वो कहेगी ओ वाह वाह टुडे आर यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, तो लड़की सामने से बताएगी भी कि यार ये तो मैंने वहाँ से ली, तुम भी ले लो। भाई वो देगी नहीं, वो अपनी ड्रेस देगी नहीं उसको। अगर लड़का आपको ये बोल रहा है ना, आपका दोस्त ये बोल रहा है कि भाई तेरे पे शर्ट अच्छी लग रही है, तो अगला उसका डायलॉग ये मेरे को दे दे। होता है भाई ये, आपको पता नहीं है पर ये सच में होता है। तो हम तैयार हो गए सारे, तो जो कन्नू था उसने काली ड्रेस पहनी है, ब्लैक शर्ट पहन ली उसने, माया ने नारंगी पहन ली, मैंने हरी पहनी हुई थी, और जो लक्ष्मी था उसने बैंगनी पहनी है। आप समझ रहे हो चल क्या रहा है जिंदगी में। और भाई माया और लक्ष्मी का अलग से ही बॉन्डिंग थी उनकी, अलग हम लोग साथ में बैठे रहते उनका अलग ही चलता था, पता है। तो एक दिन ऐसे बैठे थे हम लोग, तो माया और लक्ष्मी अपने घर चला गया। उन लोगों की लाइफ में कुछ था नहीं करने को, ना कोई बंदी है देखने को, लड़की भी नहीं है। भाई गली में से कुत्तियाँ निकल गई थी हमारी सारी उनको देख के कि ये साले ठरकी दिखते हैं हमें। सिर्फ कुत्ते बैठे थे गली में। तो वो आपस में एक दूसरे को बेबी जानू बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो आपस में एक दूसरे को बेबी जानू बोलते हैं। तो एक दिन लक्ष्मी अपने घर चला गया, तो माया ने फ़ोन किया उसको, तो घंटी बज रही है, लक्ष्मी ने उठाया, माया कहता और जानू क्या कर रहा है, लक्ष्मी की मम्मी ने फ़ोन उठाया था, उसकी मम्मी भी अलग नशे में, जानू तो ना रहा है, ये चूतिया उससे बड़े नशे करके बैठा है। अरे भाभी आपके साथ है क्या आज। भाई फिर जो फ़ोन पे हमने आवाज़ें सुनी है ना स्पीकर ऑन करके रिकॉर्डिंग के साथ, अलग अलग तरीके की आवाज़ें आ रही थी, पांच पांच भाषाओं में उसकी माँ ने उसको मारा है, गाली बकी हैं। दो दिन बाद वो आया था, उसके चूतड़ वाइब्रेशन मोड में थे तब भी। मिलना तो दूर की बात है, मिलना तो दूर की बात है, पहले उसके वाइब्रेशन मोड को साइलेंट मोड में किया हम लोगों ने, मगर तू बैठ हम बर्फ़ लगाते हैं। अरे मत लगाओ मत लगाओ। ये सीन था भाई उसका। तो हम लोग तैयार तू रोके के जा रहे थे, तो गले में निकले, कपड़े पहने हुए आप लोगों को बता दिया मैंने, दरवाजे बंद कर लिया लोगों ने हमें देख के। म्युनिसिपैलिटी वाली गाड़ी खड़ी थी, मेरे को उस बंदे पर करस आ गया अपने दोस्तों को देख के। मुझे लगा था मैं लड़की होता ना तो इससे सेट हो जाता, इन चूतियों के साथ मैं नहीं घूमने वाला। भाई कुतिया तो थी नहीं गली में, कुत्तों ने रास्ता बदल लिया। मगर ये भगवान, ये मेरे को ही जमना है क्या ये सब। तो भाई हम लोग पार्क में जा रहे थे, तो पार्क में पहुँचे हम, तो उनकी बंदी आई हुई है तीनों की, तो मेरे को बोल के लगे तुझे आज मिलवाएंगे उस लड़की से। मैं उसको उसका नाम भी नहीं जानता, मैं हेलो के बाद हाउ आर यू के बाद ही फट गई थी मेरी तो। क्या करेंगे जान के भाई, इंग्लिश में नाम लेगी कोई क्या फ़ायदा। तो ब्लॉक मार रखी थी मैंने तो पार्क में अंदर घुसे, तो पार्क के बाहर है ना तीन बंदे बैठे थे, दारू पी रहे थे, चार पैक बने हुए थे, आदमी तीन थे। दो मिनट तो मैं खड़ा होकर सोचा कि ये क्या बात होगी भाई, ये तीन बंदे बैठे हैं और चार पैक बनाए हुए, तो मेरे को समझ नहीं आया थोड़ी देर के बाद कि यार ये क्या हो रहा है, चार पैक क्यों हैं, तीन बंदे हैं। उनको देखता रहा मैं, तो उनमें से ना एक ने इतनी फोल्ड कर रखी थी, मुझे लग रहा है माली है वो। मुझे नहीं, सच में माली था भाई वो, लगा क्या माली था। तो यहाँ तक उसने पैंट फोल्ड की हुई है, यहाँ तक बटन खुले हैं, छाती के बाल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ पीले पीले नाखून रखे हैं, मिट्टी लगी हुई है, और भाई बाल इतने बड़े बड़े हैं उसके, मतलब एकदम बैड एस, मतलब उसके अगर वो खड़ा होता ना, मेरे को यकीन पूरा यकीन था वो ऐसे करके बैठा हुआ था, अगर वो खड़ा होता ना तो ऐसे करके चलता, मतलब ऐसा था, मतलब एकदम उसको देख के फीलिंग आ गई थी अगर बंदा हो तो ऐसा, नहीं तो हो ही ना, मतलब आज डर जाए उससे, पेड़ पौधे भी कह देते हैं कि भाई मेरे ऊपर पानी मत डाल तू। मैं तो वैसे ही मर जाऊँगा तुझे देख। तो भाई हम अंदर घुसे, भाई पार्क में कोई नहीं है। अच्छा यार एक तो मेरे को समझ नहीं आता है ये जो मेहंदी के ये नहीं पौधे होते हैं, इतने इतने कर देते हैं उनको, कटिंग करके एकदम शेप में बना देते हैं। भाई वहाँ मेरे को समझ में आया ये शेप में होते क्यों हैं,
ऐसी बेहतरीन कलाकृतियां बनाई हुई थी ना झाड़ियों की। मैं उनको बोलता हूँ अपने दोस्तों को, मैं ओए तो यार दोस्तों आप आपस में क्या सब अच्छे नाम ही लेते हैं पर हम तो हमें तो मैंने उसको कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड के सामने लक्ष्मी, तो उसकी गर्लफ्रेंड देखती है मामले में, इसका नाम भी लक्ष्मी है? तो कहता नहीं इसका नाम लक्ष्मी नहीं, इसका नाम रूपा है। मैं कहा सही है भाई, मैं कहा तुम कहाँ बैठोगे? तो उन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था, उनका मतलब था ही नहीं कि वो कमरे से निकले ना, तो उनका पहले ही डिसाइड था हमें करना क्या है, भरे बैठे थे। तो लक्ष्मी कहता मैं झाड़ियों में चला जाऊँगा। भाई उसकी गर्लफ्रेंड उससे भी खतरनाक, वो बोलने वाला था वो पहले बैठी है। भाई कन्नू माया दोनों बैठ गए, मतलब एक ऐसे पेड़ होते हैं पार्क में, तो शुक्रदेव चबूतरा नहीं बना दिया रहे, चबूतरे बैठ गए दोनों। तो यहाँ पे दो तीन बंदे बैठे हुए थे, बंदे और बंदियाँ बैठी थी, तो यहाँ पे बैठ गया जैसे माया, यहाँ बैठ गई उसकी गर्लफ्रेंड, यहाँ बैठ गई कन्नू की गर्लफ्रेंड, यहाँ बैठ गया कन्नू। तो वो कुछ ऐसे शेप में बैठ गए, यू शेप में बैठ गए, तो बैठे हुए। अब मैं वहाँ चूतिया क्या करे इंसान, तो मैं कन्नू भाई बहुत बहुत शर्मिला, बहुत शर्मिला, हद शर्मिला था कन्नू। कन्नू को मतलब इतना सर, इतनी शर्म आती थी ना उसको, मतलब वो फीमेल तो भाई दूर की बात है, मतलब अगर सब्जी भी उसके सामने लेडी फिंगर भी रख दी ना, फीमेल वाली सब्जी भी रख दी, तो उससे भी शर्म आ जाएगा। वह तो नहीं यार इसको छूंगा लगेगा तो नहीं। तो उसका कुछ ऐसा सीन था, तो मैं खुद हैरान यार ये लड़की के साथ बैठा है कैसे क्या, तो ऐसे करके मेरी तरफ करता है। यार मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है मेरी तरफ ऐसे गंदे इशारे क्यों कर, लड़की के साथ बैठा बहन, मेरे साथ मजे ले रहा है। तो बैठा था तो मेरी तरफ इशारा वो ऐसे कर रहा था कि वहाँ से आ रही है वो लड़की जिस लड़की से तूने बात की थी, बकचोदी की थी ना, संभाल लियो बेटा आप, तेरे को दे रहे हैं हम लड़की, तेरे पास एक घंटा ही है अगर तुझसे कुछ हो जाए तो। भाई यहाँ मतलब आदमी ना लगा नहीं था मेरे को मुँह, पर फील हो रहा था। वो लड़की आते है मेरे को कहेगी हाउ आर यू, मतलब क्या जवाब दूंगा मैं? अब मैं कह दूं उसको कि मैं ठीक हूँ तू बता, तो यार वो कहेगी ये तो अखंड है, मुझसे भी बड़ा है तू, इसको छोड़ ही देती हूँ उसे, हट तू साला, तभी तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो फिर मैंने मतलब इंग्लिश जोड़ी, ऐसे वर्ड उठाए मैंने कि फाइन आई ओके। यार मैसेज में क्या होता है, आप मैसेज को लड़की करती है तो आप कुछ भी मैसेज कर लो उसको, आपने सारियाँ लिख दी, आपने 10-10 पेजों की शायरियाँ लिख दी, उसका रिप्लाई सिर्फ ही आता है ओके, और रिस्पॉन्स नहीं देती वो, या फिर उस ओके में कुछ और ही कुछ छिपा हुआ है। तो मेरे को लगा कि ओके ठीक है यहाँ पे शायद कन्वर्सेशन बंद हो जाए इंग्लिश की। तो मेरे कहती आई वो चल के, पहले तो भाई वो मैं बताता हूँ आपको, इतनी खूबसूरत ये जो पापा की परी है ना वर्ड, मुझे लगता है कि उसको देख के बना होगा ऐसे, यहाँ से उसने पोनी टेल बनाई हुई थी अपनी, यहाँ से पप उठाया हुआ था, और वो भाई तू रैंप वॉक कर रही है क्या, पार्क में आ रही है चल के, भाई उसके हाथ में एक परस और एक हाथ में टिफिन, और वो ऐसे ऐसे करके आ रही है। अब आपा कहाँ, आपा हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमारा हमेशा ना एक्शन जो रहता है ना वो मतलब मारने वाला ही रहता है, बात मारो या फिर थप्पड़ मारो कुछ भी मारो मारने वाला रहता है, कुछ भी मारो लाइफ में हम मारने वाले रहता है, अपना मरवाने वाला सीन है ही नहीं अपना। ठीक है, तो वो लड़की आई, तो वो लड़की ऐसे करके आ रही है वहाँ पे, तो मैं उसकी तरफ देखता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक देखा तो रुक गई, तो मैं उसका मैं ख़त्म हो गया। यार एक बार वो करना अच्छा लग रहा था। तो वो मेरे को कहती है ओह यू आर सो फनी, बेइज्जती को फनी लगा, मैं बेइज्जती कर रहा था इसकी। तो भाई तो मैं वहाँ बैठ गया, तो मैंने झाड़ियों में देखा थोड़ी सी, तो लगे हुए थे अपने लक्ष्मी भाई और रूपा, लक्ष्मी भाई और रूपा बहन जी लगे हुए थे अपने। तो वो बात कर रहे थे आपस में, तो मेरी दूसरी झाड़ी की तरफ नजर गई। मैं उठ के बाहर गया हूँ भाई, मैंने पार्क का नाम देखा है, मैं ओयो लाइट तो नहीं है ये, ओयो लाइट आप हमारे पास आओ, ओयो पार्क आप हमारे पास जाओ। अब वहां दो बंदे बैठे थे,
जो बाहर पी रहे थे ना बैठ के, चार पैक बने हुए थे, तीन बंदे बैठे थे, अब वहाँ दो बंदे बैठे हैं, पैक चार ही हैं, ये क्या हो रहा है इनके साथ? पैक को ये पी रहे हैं या ये पैक को पी रहे हैं? सॉरी एक ही बात बोल दी मैंने, तो कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, कोई नहीं। तो मैं वापस गया अंदर, तो बैठी थी वहाँ, उसने बोलना स्टार्ट किया। तो भाई अब वैसे भी मैं बोलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को लगा उसी की सुन लेते हैं, हमारे पास तो है ही क्या बताने को, क्या बताऊँगा मैं, इंजीनियर हूँ, डर लगता है भाई। कहीं लात मार के यही बच्चा था तेरे पास, इतनी बड़ी दुनिया है, इंजीनियरिंग ही दिखी बस तेरे को, स्पेलिंग से प्रभावित हुआ है ना सच बताना। तो मैं भाई वहाँ बैठा रहा, तो उस लड़की ने उसने मुझे कहा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, तो खुशी हुई। बोलता नहीं ना अपने को जनरली, कोई ऐसे आदमी बोलता नहीं है कि तुम अच्छे लग रहे हो। अब लड़कों से पूछोगे तो अब मैं अपने दोस्त से पूछूंगा आप कैसे लग रहे हो, तो वो यही कहेगा चूतिया लोडू लग रहा है तू। भाई अगर लड़का आपका दोस्त आपको बोले कि आप अखंड लग रहे हो, तो मतलब आप अच्छे लग रहे हो, समझो ये क्रोनोलॉजी समझो। अगर लड़का बोले आप अच्छे लग रहे हो, गंदे लग रहे हो, तो आप अच्छे लग रहे हो। अगर वो कहता है ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो भाई बाहर मत जाना। वो म्यूनसिपैलिटी वाले जो खड़े थे ना कुत्ते पकड़ने, वो आपको उठा के लेके जाएगी। तो भाई वहाँ पे बैठे हम पार्क में, तो हमारी बातें चल रही हैं, वो लड़की कुछ कुछ बोल रही है, तो मैं सिर्फ हाँ ओके ओके चल रहा है मेरा, इंग्लिश उससे ज़्यादा हमें आती नहीं है, तो वो कुछ भी बोले जा रही है। तो लास्ट में उसका बीच में एक शब्द निकला एकदम से, स्वीट खाबी। अब यार मेरे को स्वीट का तो मतलब पता है, खाबी नहीं पता बहनचोद। मैं डर गया, मैं अब डिक्शनरी कैसे खोलूं? मैंने फ़ोन साइड में किया, तू मेरे को देख रही थी, मैंने हिम्मत छोड़ दी, मैं कोई फ़ायदा नहीं आया, पकड़ा गया। मैंने कहा मैम खाबी इज लाइक, खाबी मतलब खाओ। मैं हे भगवान, मैं सीधा सीधा नहीं बोल सकती, इंग्लिश में बोल रही थी इसको, तो ईट वो भी समझ जाता मैं। भाई उस वो लड़की थी अलग लेवल की लड़की थी भाई वो। एक बार उसको मार्केट में लेके गया था मैं, तो मैंने उसको सरोजनी तो सुना होगा सबने, गए नहीं हो ना भाई, जाना मत, वैसे हरियाली बहुत है वहाँ पे। तो अरे वाह, घास तो भाई फिर क्या ही बताएं अब। ये तो मेरा आप गलत ही कर गए काम, घास साथ ऐसे भाई जहाँ पे आपको लगे ना कि बड़े घास हैं और खुद काटने पड़ेंगे, वहाँ घास कभी लेके मत जाओ अपने घर से, ठीक है? तो भाई मैं उसको लेके गया, उसने मेरे आने से पहले उसने पहले ही कुछ एक ओवरकोट खरीद लिया था, इतना लंबा होता है ना जो कोट पहनती हैं लड़कियाँ पहनती हैं, वो लड़कियाँ नहीं पहनती इतना वाला, अपने आप को ऐसे समझती है वैसे पता नहीं हम क्या लग रही हैं ऐसे पहनते हैं, ठीक है? तो वो उसने ओवरकोट पहन ले लिया, उसने खरीद किया भाई, उसने 150 रुपये का खरीदा है वो, सरोजनी बहुत सस्ती है, अंधी सस्ती है। तो मैं गया वहाँ पे, वो फूल ही नहीं समा रही, उसको लग रहा है उसने ताजमहल अपने नाम करा लिया। मेरे को कहती आके इतोक्सा 150 टका, मैं तू बहनचो इतोक्सा, मुझे लगा गाली दे रही है, मुझे लगा गाली दे रही है यार, मेरी तरफ इतना गंदा मुंह बनाया ना उसने, एक बार तो मुझे अपनी शक्ल पसंद आ गई थी, मैं इससे तो गंदा क्या ही होगा। तो भाई वो अभी वो अलग खुश थी, अपनी मम्मी के पास फोन किया, मम्मी इतोक्सा 150 टाका 150 टाका, मगर मेरी बात सुन, तेरा जो टाका मेरे गला बढ़ा ना बढ़ा ले। मेरे बस की खुना है जंबल वंबल खेलना। तो भाई पार्क पे आते हैं, तो हम पार्क में बैठे हैं, तो उस लड़की ने बताया मेरे को कि, तो भाई उसने स्वीट का नाम लिया, उसने कहा सोनदोस खाओगे? यार मैं मेरा यही भाई वाला रिएक्शन था मेरा, कि ये क्या खिला रही है मेरे को, ये यहीं दफनाने वाली है क्या मेरे को? तो मैंने कहा कि ये खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है? उसका सिर्फ एक ही वर्ड मुझे समझ में आया था, बंगाली वाला, कहती गु खाबी।
मैंने कहा नहीं मैम ये तो आप ही को सूट करेगा, मैं गोबर होता था खा लेता। तो भाई वो बंदी फिर बाद में कहती है मेरे को कि चल ठीक है बात कर ली हमने, उसने टिफ़िन में लेके आया, टिफ़िन में राजमा चावल लेके आई है, मुझे नहीं पता किसको खिलाने लेके आई है, मुझे लगा मेरे लिए होगा, मैंने कहा कि ये राजमा चावल, हाथ पे हाथ मार दिया। अबे वो दिल्ली की बंदी, बंगाल की बंदी, दिल्ली में रह रही, उसका अलग ही फैशन था भाई, वो अलग ही, यहाँ से पैंट फटी हुई है, यहाँ से पैंट फटी हुई है, यहाँ से शर्ट फटी हुई है, उसका अलग ही। अच्छी बात है, लड़कियों को जज नहीं करना चाहिए वैसे कपड़ों से, पर अलग लग रही थी वो, मेरे को लग नहीं रहा था, मेरे को लगा यहाँ से ही फटी होगी, हाथ निकाल लिया। हम लोग अपने घर में पोछा नहीं मारते हैं, तो पोछा कई दिन मार दे तो वो फट जाता है, उसका कुछ ऐसा था टॉप, कहीं कहीं से फटा हुआ था, लग नहीं रहा था मेरे को किसने पहना हुआ है, ये पहना हुआ है या ओढ़ के आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने मेरे को कहा कि फ़ोटो लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। उनकी बकचौदी चल रही है लक्ष्मी रूपा की, यहाँ माया और कन्नू लगे हुए हैं अपने, उन लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है भाई, मैं फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, वो पपियाँ ले रहा है। खत्म, मैं क्या करूं लाइफ में, अब मर जाऊं। तो कहती फ़ोटो खींचना है, तो मैंने कहा ठीक है, कौन खींचेगा, कहती सेल्फी लेते हैं। मैं ठीक है भाई, वो सेल्फी लेने लगी, उसने कैमरा, अब देखे यार लड़का, तो आप लोगों को पता है लड़के की इतनी फ़ोटो नहीं खींच पाता लड़का, दो ही तीन पोज होते हैं, या तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, या हम लोग ऐसे कर लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, तो जेब में हाथ डाल लिया जेब हो तो। ठीक है, तो लड़की है, उसने कहा सेल्फी लेते हैं, यार उसने सेल्फी लेनी थी, सेल्फी मुँह की होती होगी या मेरी, मतलब मुझे गड़बड़ है इस बात में, मुँह का होता होगा ना सेल्फी, बस ने ये पोज बनाया हुआ था यार, यहाँ तक कि फोटो में ये क्या जरूरी है, ये क्या होता है, या फिर इसी के ले ले, मैं भी मुँह यही ले आता हूँ यार। कदम भाई बड़ी मुश्किल से फ़ोटो ली, मैंने जंग जीती है उस दिन, मुझे लग रहा था कि बॉर्डर पे जाना आसान है। तो भाई फ़ोटो हो गई खत्म, वो मेरे को कहती कि आप चावल खा भी, मैं खा भी, क्यों नहीं खा भी, आप तो समझ में आ गया, भूखा मर रहा मैं तो तड़के सुबह से, तो कहती चावल खा भी, मैं कहा हाँ ठीक है, तो उसने राजमा मिला दिया। अब वो दिल्ली की लड़की भाई, वो मैनर्स उनके अलग, मैनर्स, हम लोग हाथ भी नहीं धोते, हमारा अलग ही चलता है, हम लोग हाथ भी नहीं धोते, सानी सुनी भेई और झाड़े खाना स्टार्ट, यही यही भाई, तभी हम लोग बीमार भी नहीं होते, हम लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं होते, ये अपना बनता रहता है सिस्टम अपने शरीर में ही, पहले हम लोग खाते रहते हैं सब कुछ।